फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है और वो राणा फहीम साहब हैं और आज हम जाएंगे अपने इलाके के यूट्यूबर से मिलने। चले, अगर पाकिस्तानी रुपीज में जाएं तो ये 46,000 का है, मतलब 46,000 रुपए का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपने एक और ज़बरदस्त व्लॉग में खुशामदीद करता हूँ। जिस तरह आपने मेरे चैनल के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि मैं अपने इलाके के जो यूट्यूबर्स हैं स्पेशली उनसे काफ़ी सारी यानी कि मीटअप्स करता हूँ, उनको मिलने की यानी कोशिश करता हूँ। तो आज भी कुछ इसी तरह से सीन है कि मैं अपने इलाके के जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मिलने के लिए अड्डा पक्षी मोड़ के इलाके 15W में जाऊँगा। तो गुजारिश है कि प्लीज़ आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। तो बिना देर के आज के सब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद राणा फहीम साहब पहुँच चुके हैं, वो आ रहे हैं, शायद आपको नज़र आए। तो अभी इनको मिलने के बाद फाइनली हम जाएंगे ब्लॉगिंग भाई अजीज और दूसरे नंबर पे आसफ भाई के पास, उनके गांव में मिलने। तो राणा साहब पहले ही उधर खड़े हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, उनको डर गए हैं पता नहीं। जी आनो जी, जी आनो, क्या हाल है सर? क्या जनाब? आप नहीं भाई और सब अच्छा, सब कैसे हैं व्यूअर्स? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। ये सरप्राइज मुलाकात हो रही है जी आज आपसे। कैसे सही पहुंच गए? ये है ये सही भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है आसफ सर। अस्सलाम वालेकुम। और ये है राणा साहब। राणा साहब बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। हाँ वही, मैंने लेट बोल दो सर, लेट बस लेट होने की वजह राणा फहीम साहब हैं। राणा फहीम सालों के बाद इन्हें पंजाब में टाइम पहुंच जाने हैं। आज हम एक न्यू ब्लॉगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो है आसिफ भाई। इनको भी इस फील्ड में लेके आना है ब्लॉगिंग की। ठीक हो गया, तो इनके लिए मतलब आपको बुलाया कि इनसे मीटअप करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक सरप्राइज मीटअप है ये। जी जी, इसी तरह मैं अचानक इनसे इनको सरप्राइज दिया है। ये इन्होंने मुझे बताया था कि ये आपको जानते हैं, मैंने कहा फिर बुला लें। सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप हमें भी तावन करें हमारे साथ। उन्होंने कहा कि यहाँ शूटिंग करके जाओ, सही हो गया। तो इस वजह से नहीं, मैं तो अब जो भी किया बता के जाऊंगा यार। ये बहुत बड़ी जिस तरह कहते हैं अपॉर्चुनिटी है हमारे इलाके की, ये कि हम चार इकट्ठे हैं, एक लड़का और भी है लेकिन वो थोड़ा सा हमसे भी स्लो है। अच्छा जी, वो मलक मजा लगड़ियाल। अच्छा जी, कोई पहले मिला, मुलाकात होगी आपकी पहले? नहीं मैं नहीं मिला हूँ। सही हो गया, पहले रेगुलर ब्लॉगिंग करते थे लेकिन काम की वजह से उन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ दी। अच्छा अच्छा, छोड़ दी जी। नहीं मैं भी जितनी बनाता हूँ शौक से बनाता हूँ वीडियो। बस मेन बात तो शौक की है, कितने हो गए आपकी वीडियोस? वीडियोस तो मेरी 10-12 होंगी बस, ज्यादा से ज्यादा नहीं, बल्कि शौक से करना था। काम स्टार्ट करना है, रेगुलर करेंगे स्लो चढ़ी इन द रेस हो जाएगा। हां जी बिल्कुल, आसिफ को इंटरनेशनल ब्लॉगर है ना, फिर कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप ना जैसा कहते हैं रेगुलरली यानी कि ब्लॉग अपने अपलोड किया करें, स्पेशली उधर के बाहर के जी, जी, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं बहुत, यानी कि ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे ही करेंगे। हां तो पर आसिफ भाई जो बॉर्डर एरिया है ना, हां जी क्रिकेट के, उसको जो हम लोग नहीं देखे वो आप देखना चाहते साथ ही तो जी, उस पर नाम ही आपको रोकनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं सर्विस चेक दे देता हूँ आपको लंबी। जरूरी नहीं कि हम कि जहाँ आप लोकल जो हम लोग कर रहे हैं ये चीज़ें जो बॉर्डर के एरिया जो है, बड़े शौक से देखते हैं।
कि यार ये सारी बातें ऑन द कैमरा, ऑन द कैमरा जो भी कह रहे हो ऑन द कैमरा कोई भी एक पता है ये शुरू करता है उसके लिए कोई चीज हो वो हां बिल्कुल आप बैठे हैं बहुत खुशी हो रही है बहुत ही देर से बातों का पता चल रहा है यही करने की कोशिश कर रहे हैं आप किस तैयारी के साथ आए हैं इसके ऊपर माउंट किया हुआ था ना वो हेलमेट के ऊपर सबसे पहले मैंने जुगाड़ इस तरह किया था कि यहाँ पे अपना माउंट लगाया था टेप के साथ जी जी अच्छा ऐसे उसके ऊपर मोबाइल लगाता था मोबाइल के साथ मैंने एक दो वीडियो बनाई है ठीक है ठीक है एक्शन कैमरा मैंने बाय किया वो थोड़ा सा यानी कि मैंने यूज किया वो डैमेज हो गया था तो दोबारा मैंने मंगवाया तो कैसे एक्सपीरियंस था जबरदस्त मजा आता है उससे यानी कि डबल कंटेंट इकट्ठा होता है एक तो बंदा रस्ते का जाते हुए कोई यानी एक्स्ट्रा चीज नहीं पकड़नी पड़ती है एक्स्ट्रा मोबाइल इकट्ठा होता है बिल्कुल बहुत जबरदस्त डबल कंटेंट इकट्ठा होता है वीडियो की शेकिंग नहीं आती बिल्कुल जबरदस्त यानी कि वीडियो रिकॉर्ड होती है क्योंकि हेलमेट ऊपर होता है मैं ज्यादा नहीं हिलता कैंप लगे बिल्कुल निशान सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी हेलमेट के ऊपर उसको माउंट लगा कर ना माउंट मेरे पास है मैं आपको दिखा दूंगा तो ये इसको कहते हैं जुगाड़.com जुगाड़ किया था ये ब्लॉगर का होता ही जुगाड़ है ये जुगाड़.com ठीक हो गया यानी इसके ऊपर यहाँ पे माउंट लगा के इसके साथ टेप के साथ इसको अच्छी तरह कनेक्ट किया ताकि मोबाइल गिरे ना बिल्कुल फिर उसके बाद यानी कि थोड़े दिन मैंने गुजारे वीडियोस बनाई अच्छी रिकॉर्ड होती मोबाइल के साथ लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रिस्की है तो अब मैंने एक्शन कैमरा बाय कर लिया है तो ये मेरा यानी कि एक आरजी सेटअप था शुरू शुरू में जी ठीक है बाकी तमाम दोस्त भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नेक्स्ट क्या प्लान है मैं तो फुल मोटो व्लॉगिंग करूंगा मेरा फुल अच्छा, मोटो व्लॉगिंग करूंगा अभी स्टॉप नहीं किया हुआ ना ना स्टॉप नहीं करना है सीधे तारीख चाहिए इंशाल्लाह क्योंकि पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर ना लोकल वीडियो अपलोड की फिर तारीखी मकामात की फिर हिस्टोरिकल प्लेस हैं और कुछ मैंने यानी कि वो स्ट्रीट फूड्स भी किए हैं ऐसे ही अब यानी कि फुल टाइम यानी इससे डबल कंटेंट इकट्ठा होता है एक मोटो व्लॉगिंग के साथ बंदा रस्ते के सीन कैप्चर करता है और जिस जगह पे जाना हो वहाँ पे भी यानी कि डबल वीडियो इकट्ठी हो जाती है ये यानी इतना महंगा नहीं है मेरा नेक्स्ट तो यार तो स्टडीज है पर नेक्स्ट लाहौर कवर करना है इंशाल्लाह अगर लाहौर पहले जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी ना मेरी तो फिर आप लोगों को भी अभी इनवाइट कर रहा हूँ वहाँ हॉस्टल होगा मेरे पास आसिफ भाई को भी वहाँ रहने की जगह मेरे पास होगी आप लोगों ने आना है लाहौर और वहाँ शूटिंग करेंगे जिस तरह मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी कोई मुझे शौक है ना जिसमें इसी तरह का एक लड़का खाने वाला गया वो आजकल परसों गया है मालूम जब्बा अच्छा उसको इतना ट्रैवलिंग का शौक है ना इतना घूमने फिरने का वो बैटरी के ऊपर जॉब करता है लेकिन उसको इस चीज का बहुत शौक है लेकिन चैनल भी उसने एक हफ्ता पहले बनाया लेकिन वो उसको शौक बहुत है मेरी बात हुई ना उससे वो कह रहा है मुझे फुल शुरू से शौक था लेकिन चैनल का अभी आइडिया आया ठीक है यानी कि ये तकरीबन मेरे हिसाब से एक 10 बंदों का एक ग्रुप बन जाएगा अपने इलाके के सिर्फ ब्लॉगर्स होंगे जो नहीं ये बड़ी बात है बहुत अच्छी एक अच्छी मतलब फॉलोअर है हमारे इलाके एक दूसरे के एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे सबके साथ जी जी बिल्कुल कितने से आप ब्लॉग कर रहे हैं आप दोनों मुझे 2 साल हो गए हैं बाकी अच्छा आपको साल क्योंकि मैंने सिर्फ कोरोना में स्टार्ट लिया था कोरोना के दिनों में मुझे 2 साल हो गए अच्छा वो 2 साल हो गए आपकी वीडियो के आप तो माशाल्लाह 2 साल हो गए यार सकते भी नहीं माशाल्लाह नहीं बहुत दिन हो गए आपका नाम मेरा फहीम फहीम अच्छा नदीम आप नदीम नहीं अच्छा नदीम साहब है ये फहीम फहीम साहब अच्छा मैंने नाम सेव किया था व्लॉगर के नाम से मुझे नहीं पता कि किसकी किसकी बात मैंने जब भी देखे इकट्ठे फर्स्ट टाइम सारी बात फर्स्ट टाइम ये हमारे जो काफी ब्लॉग है ना वो इकट्ठे आए हैं हाँ वही मुझे लगा चल एक ही नंबर है आप दोनों नहीं नहीं वीडियो जो हमने कोलैबोरेशन बनाई थी मजर भाई और आप हम तीनों फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात उधर ही हुई बर्गर पॉइंट और उसके अलावा एक थी इधर मियां पक्के रेस्ट हाउस हाँ बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है हाँ जी
वो मैं गया नहीं हूँ, पर आज मैं जी आज पूछ रहे थे पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था, इंडियन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उस वक्त उधर के मैं थे, क्योंकि वो स्ट्राइक वगैरह करते रहते थे, वो इंडिया का फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जेलें काटी, गांधी से भी ज्यादा उन्होंने जेलें काटी, वो बहुत यानी कि ना वादे के पक्के और दोनों के सच्चे थे, इसी वजह से वो किसी बातों में ना नहीं आते थे, वो आप जो ऐद कर रहे थे वो मांग आजादी दिलाने में बहुत गद्दारा अदा किया। अच्छा जी, रेस्ट हाउस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा उनसे मंसूब है उसकी जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है कि मैंने अब जो सिस्टम अपना शुरू किया ना वो पार्टीशन के लिहाज से, मैंने हिस्टोरिकल प्लेस जो बाबा जी है काफी बड़े आजादी के मुताबिक जिन्होंने खुद देखी आजादी, अब मेरा जितनी भी वो वीडियो आ रही है वो आजादी के लिहाज से है, वो बड़े बाबा जी है वो मुझे बताते हैं कि बेटा हमने ये मुश्किल दी थी, ये चीजें हमारे साथ हुई, ये वाकया हुए जिसकी वजह से हम जहाँ पर पहुंचे, क्योंकि वो हमारे पास एक बाबा जी है वो रियासत पटियाला के रहने वाले थे। अच्छा, इंडिया इंडिया से, उन्होंने जब मुझे क्योंकि मेरे पीपल सबसे ज्यादा जो ना इंडिया से आते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आप बाबा जी के मतलब जो स्टोरी थी वो हमारे साथ पार्टीशन की बिल्कुल। अच्छा, 47 के बनाते हैं उनके साथ जी जी वीडियो पे या रिकॉर्ड करते हैं खुद बताते हैं कवर करते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन करते हैं ठीक है बहुत अच्छा वो आप ही सुनाते हैं मुझे तो मैं जबरदस्त जी जी बहुत अच्छा लगा मतलब वो चैनल पे क्या है कि जो पार्टीशन से पहले हमारे अबाउ अजदाद ने किस तरह मतलब हिजरत की बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है वो पेनफुल है जो इसके फैंस हैं वो तो वही सुनते हैं जी जी फैंस जो बुजुर्ग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं बिल्कुल। आपका क्या इरादा? मेरा तो इरादा आलिम मानी है जो है डाल दें खासकर तो जारी बात है ओवरसीज हूँ ओवरसीज को मिलता है बाहर भी चीजें बहुत सारी आपको प्लेसेस मानी एक्सप्लोर काफी है बस मौका मिला लाहौर फिर यानी कि आपने अभी थोड़ा सा डिले है आपके जाना लाहौर नहीं डिले नहीं है जैसे ही मेरा एडमिशन की मुझे कॉल आ गई अभी आज कॉल आई है सिर्फ के सामने लाहौर से एक मेरा प्लान था बिहारी जाने का अभी मैं यूनिवर्सिटी वापसी आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट से सो एक है लाहौर का अब दोनों में से एक चूज करना है लाहौर का सोच रहा हूँ चूज करूँ लाहौर चलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा वहाँ बहुत कुछ मिलेगा वो बंदा शेयर करता है फिर आप भी आते हैं मतलब मजा आता है ये कि लाहौर वो एक गढ़ है ब्लॉगिंग कवर करने के लिए बिल्कुल लाहौर के अलावा वाकया बात रहा है करतारपुर है करतारपुर लाहौर में कम से कम चार जो मैंने देखे 18-20 हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर हम जा सकते हैं वो तो मतलब दिल्ली में जो फेमस बताई ना जी जी बिल्कुल बिल्कुल वजीर मस्जिद है जिस तरह हम चार है ना यानी कम से कम चार पांच बंदे पहले एक इलाके के हों फिर मजा आता है बहुत सारे दोस्त जो है वो कैबिन की वजह से आ गए हैं बहुत सारे लोग एक दो नहीं बहुत सारे जिस तरह ये आजकल चोलिस्तान रेडी आए खत्म हुई कल वहाँ पे पहुंच सकते थे बहुत जा सकते थे पर बहुत आवाम गई उधर पहले वो बिलाल आजम जो मैंने बताया था भी काफी यानी ये लोग जाते हैं उधर यार बहुत कुछ मिलता है यार हर महीने हर मंथ कोई ना कोई इवेंट तो चलते ही रहता है बस बिल्कुल थोड़ा टाइम होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए शुरू हो रहा है लेकिन ये देखो कि एक बंदे की ऐसी होती है चॉइस के निकल जाए ये आईडिया ये है तो मेरी फेवरेट लाहौर ही पर लाहौर आ जाती है पर आप क्या करते हो मुझे कुछ मुझे कुछ लाहौर भी एक सेकंड नंबर आता है यार कौन लेकिन वो डेविड वाला जो लगाओ सचा देता है नहीं भाई आप क्रिकेट से लगाओ तो काम रखते हो लेकिन बताओ मुझे कि आप कौन सी टीम चॉइस करते हो क्यों अपनी तरफ से छोड़ रहे हो क्यों आजकल मैं ये क्रिकेट को वैसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट टीम हर दफा हार जाती है वीडियो आपके हैं वीडियो जी लाहौर ही है इकट्ठे बैठे हैं इस बार भी बहुत धोखा हुआ फाइनल में पहुंच के स्टार्ट में भाई तो मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और अपने जो रीजन को सपोर्ट करता
मैं कैप्टन का सपोर्ट कर रहा हूँ यार। अच्छा देखिए कौन इस्लामाबाद इस्लामाबाद मजेदार जगह जी जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। ठीक हो गया अपने अपने पसंददार कोई बात नहीं जी जी बिल्कुल सब क्या हो गया दो दफा हम चैंपियन बने हैं। ठीक हो गया कोई बात नहीं ठीक हो गया। आसिफ भाई ने ये हमारे लिए कुछ हमारी खिदमत की है और काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है देख लें ज़बरदस्त हो गया। लेकिन इन सब बातों का या इन चीज़ों का स्पेशली टूर में जाते हुए जाने के उस वक्त मज़ा ज़्यादा आएगा। बिल्कुल क्यों फहीम साहब हसीब भाई आसिफ भाई हम इंसान हैं कोई मुश्किल नहीं है सर आपके लिए ये सब कुछ चाय भी ने अच्छा इतना कुछ यार कहाँ वो जिस तरह कहते ना फिर पंजाबी में इन शापर से बात हो सारा कुछ सामने इसके फिर शापर में डाल दें यार इतना कुछ हमसे नहीं यार ये खाया जाएगा नहीं भाई कच्चा ये देखा सॉरी ये पेप्सी भी नहीं भाई जो खाना तो यही पे आपको पड़ेगा शापर वाला ऑफर हम नहीं देते शापर भी आएगा जो खाना शापर भी मिल जाएगा कोई ऐसी बात चलो ऑफर मिल रही है। अच्छा फ्रेंड्स आसो भाई के पास ना जो एक सेटअप है स्पेशली ट्राइपॉड और माइक के साथ वो काफ़ी एक्सपेंसिव है तो देखते हैं कि उसकी क्या क्या यानी कि खूबियाँ हैं क्या क्या क्वालिटियाँ हैं उसकी जरा देख आपको भी दिखाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आसफ सर जरा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा आपका सेटअप कितना महंगा है और क्या खूबियाँ हैं इसकी। ये सर शोर कंपनी का है ये माइक है अच्छा और साथ में ये ट्राइपॉड है और ये भी पूरा इसमें वेल भी माउंट भी है सब कुछ है। अगर आप गूगल में जाएंगे तो शोर कंपनी जो है ना ये तकरीबन में भी 100 साल पुरानी कंपनी है ये चीजें बनाने के लिए अच्छा जिसमें म्यूजिक का सामान ये सब चीजें ये गिटार वगैरह जो बनाती थी ये कंपनी है और इसका नाम है शोर 88 प्लस और $250 का है ये इसकी कीमत। और इसकी खास बात क्या है कि ये तीन माइक हैं एक लेफ्ट में एक राइट में और एक फ्रंट में है। ठीक हो गया ठीक तीनों साइड से यानी कि तीनों हाँ 360 के में ना ये वॉइस कवर कर सकते हैं आपकी जी जी 3-in-1 माइक लाइक आप वेस्टर्न कर रहे हैं आपकी वॉइस भी कवर करेगा माइक और आशीष पे जवाब दे रहे हैं तो इस माइक से हम दोनों का मतलब एकदम कहेंगे ऐसे ही है जब ये मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ ना XYZ जी जी तो मेरी आवाज भी उतनी आएगी साउंड और आपकी आवाज भी उतनी आएगी गुड हो गया। और अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उसका क्या सिलसिला है क्या सीन है कि ये मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये सामने से सिर्फ ये जो फ्रंट वाला माइक है ना जी ये मैं सेटअप करूंगा और ऐसे मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो समझोगे ये यानी एक को आप ऑन कर सकते हैं दो को ऑफ कर सकते हैं गुड। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में या किसी हॉल में या म्यूजिक हॉल में आप तीनों से काम लेना चाहते हैं तीनों काम करेंगे। और इसके बाद इसकी दो एप्लीकेशन है स्पेशल ओएस नाम क्या है एप्लीकेशन का नाम है मोटिव वीडियो MOTIV ठीक हो गया मोटिव वीडियो और मोटिव आइडियो दो एप्लीकेशन है इसकी। ठीक अगर आप खाली वॉइस ओवर के लिए करना है रखना है तो मोटिव आइडियो में जाना है अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो मोटिव वीडियो में जाना है। ठीक हो गया एक लास्ट जो सवाल सबसे है मैं जी इसकी प्राइस प्लीज कुछ थोड़ी सी यानी मोटा मोटा बता दें कितनी है मोटा मोटा अगर आप पाकिस्तानी रुपए में स्पेशली अगर पाकिस्तानी रुपीज में जाएं तो ये 46,000 का है मतलब 46,000 रुपए का है इतना सा सेटअप 46,000 का। हाँ जी देख लें फ्रेंड्स इतने यानी के छोटी यानी कि तादाद में है स्पेशली ये सेटअप और इतना महंगा और इतना यानी कि ये कीमती है इतनी ज्यादा इसकी खूबियां हैं ऐसे है ना सर जी ये आईफोन में भी लग जाते हैं आईफोन के लिए इसकी जो आईफोन की वायर होती है वो लगती है और ये टाइप सी है एंड्रॉइड के लिए गुड हो गया गुड। और इसकी बैटरी नहीं है ये जब इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखें एक लाइट जो है ना ग्रीन कलर की लाइट आ जाती है। ठीक है अभी मैं इसका एक टेस्ट करता हूँ जी बात करें। फ्रेंड्स अभी जो आप मेरी वॉइस क्वालिटी चेक करने हैं ये आसिफ भाई का व्लॉगिंग सेटअप जो उसका यानी कि माइक का फ्रंट यानी कि जो माइक है ना उसके जरिए वॉइस क्वालिटी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल जो ये आसिफ भाई के यानी कि माइक के सेटअप के साथ वॉइस क्वालिटी हम चेक कर रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये मीटिंग स्पेशली इस मीटिंग से मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की है कुछ अपने तासरात अपने दोस्तों के साथ शेयर किए उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का ये कोलैबोरेशन व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।
जो लास्ट में बहुत बाना गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे किसी व्लॉग का कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर सकें और मेरे तमाम व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, किसी बेहतर वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नीम अब्बास बुड्ढा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासर।